हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शेयर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1990 में निर्मित ट्राइडेंट लिमिटेड यार्न, टेरी, तौलिए और चादरें और कागज़ और रसायन का निर्माण, व्यापार और बिक्री करता है। ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसका कि BSE कोड है 521064 और NSE पर है ट्राइडेंट TRIDENT, इसका मार्केट कैप 19,543 करोड़ है। स्टॉक पी 42.8 है, बहुत अच्छा है स्टॉक पी। ROCE 11.9% है। करेंट प्राइस 38.4 है। बुक वैल्यू 8.14 है। ROE 11% है। 52 वीक का हाई लो 43.80 रुपया और 25 रुपया है। डिविडेंड यील्ड 0.94% है, पॉइंट में है, उतना अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रही है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। 1 ईयर का चार्ट इस प्रकार है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ₹25.25 प्राइस चार्ट पे दिख रहा है, जो कि स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। और मैक्सिमम ₹42.65 है। उसके बाद में धीरे 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 डाउन होते होते ये ₹33.65 पे गया और फिर अब पिछले दिन 38.35 रुपया पे पहुंच गया। तो काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है इसमें। आगे रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के आधार पे समझ में आएगा कि इसमें क्या हो सकता है। ऐसे मैक्सिमम चार्ट जो कि ₹64.80 है, इसमें प्रोज कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.3%। तो यहाँ पर लिख रहा है कि अच्छी खासी डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 26.5 to 15.9 days। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 72.6 दिन से 45.7 दिन। और इसमें कौन सा है? दो, द कंपनी हैज़ डिलीवरीड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.79% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। दूसरा है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इस तरीके का कौन सा दो और प्रोज। क्वार्टरली रिजल्ट जो कि सितंबर 2023 का, 1798 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस 1557 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 240 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% का, अदर इनकम इसका 15 करोड़ का हुआ है। काफ़ी बेहतर है अदर इनकम पिछले कुछ क्वार्टरों से। इंटरेस्ट 35 करोड़ का पेड किया, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है पिछले कुछ क्वार्टरों के अपेक्षा। और डिप्रिसिएशन 89 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर के सेम है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 130 करोड़ का, टैक्स पेड किया 31%, नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का, जिसके वजह से ईपीएस आया 18 पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का, सेल्स 6,506 करोड़ का है, एक्सपेंस 5,491 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,015 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का, अदर इनकम 41 करोड़ का, इंटरेस्ट 108 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 337 करोड़ का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 611 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 457 करोड़ का, ईपीएस 90 पैसा। बैलेंस शीट देखते हैं, इसका इक्विटी कैपिटल 510 करोड़ का है, रिजर्व है इसके पास में काफ़ी अच्छा 3,641 करोड़ का, उसी के अनुसार ब्रोइंग भी लिए हुए हैं 1,664 करोड़ का, और अदर लाइबिलिटीज भी है 1,215 करोड़ का। फिक्स एसेट भी है इसके पास 4,426 करोड़ का, टोटल एसेट देखते हैं तो 6,829 करोड़ से बढ़ करके 7,030 करोड़ का हो चुका है। अब नेट कैश फ्लो देखते हैं तो माइनस में 144 करोड़ का, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया 1,426 करोड़ का, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस में है 1,160 करोड़, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस में ही है 410 करोड़, जिसके वजह से 144 करोड़ माइनस में आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार है, प्रमोटर के पास में 73.19% का है, FIs के पास में 2.56% का है, DIs के पास में 0.05% है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास में 22.95% है, अदर के पास में 1.25% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 20,04,436, इतने लोगों के पास में इसका शेयर है। इसमें न्यूज है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, और उससे पहले अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड सितंबर 30, 2023, तो रिजल्ट आया था एक दिन पहले, और इसमें देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का, तो ट्राइडेंट ग्रुप 15 नवंबर 2023, सबमिशन ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड ऑन सितंबर 30, 2023। तो ये इसका कटिंग जो है न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किया गया है रिजल्ट का, जो कि हाफ ईयर एंड हुआ है सितंबर 30 को, उसी से संबंधित जो रिजल्ट आया है यानी कि क्वार्टर टू का रिजल्ट, ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे है। दूसरा पेपर में है, ट्राइडेंट लिमिटेड से संबंधित न्यूज एक दिन पहले का है, जो कि मनी कंट्रोल पे है। ट्राइडेंट क्वार्टर टू शुद्ध लाभ 2.41 गुना बढ़कर
90.31 करोड़ रुपए, राजस्व 25% बढ़ा। और दूसरा है मिंट पे, तो मिंट पे है ट्राइडेंट शेयर की कीमत आज लाइव अपडेट, ट्राइडेंट आज 38.35 पर बंद हुआ, जो कल के 36.39 से 5.39% अधिक है। ट्राइडेंट लिमिटेड 38.35 जो कि प्लस में 1.96, यानी कि 1.96 रुपया परसेंटेज के हिसाब से तो 5.39% का उछाल आया। वही न्यूज है जो कि मीटिंग हुआ, मीटिंग का जो रिजल्ट आया, Q2 का रिजल्ट, और वो पब्लिकेशन किया गया। कॉरपोरेट एक्शन में अगर देखते हैं तो 1/6/2023 अंतरिम डिविडेंड है 36 पैसे का, बल्क डीलिंग कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग एनालिटिक्स अगर देखते हैं तो वन वीक का चेंजिंग 1.72%, 2 वीक का 5.75%, 1 मंथ का 1.94%। इस तरीके से मैक्सिमम 10 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 355.93% का चेंजिंग है। डिलीवरी पोजीशन है 24.70%, जो कि पुअर डिलीवरी पोजीशन माना जाता है मेरे आइडिया अनुसार। क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 44,78,179 और डिलीवरी क्वांटिटी 11,06,064 जो कि BSEIndia.com पे है। एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। वीडियो बनाता हूँ नॉलेज पर्पस, NSEIndia.com पे है जो कि बाय क्वांटिटी अभी भी लगा हुआ है, 37,972 क्वांटिटी का है 38.35 पे। इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है इतना 509,59,55,670। इस पर डिलीवरी पोजीशन है परसेंटेज में है 30.05%, जो कि क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 4,22,01,145, डिलीवरी में उठाया गया 1,26,80,070। इस शेयर में अब ट्रेंड बनने की उम्मीद कम है मेरे आइडिया अनुसार। ये अपने मैक्सिमम को ब्रेकआउट कर पाएगा कि नहीं, ये भी आइडिया लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ सालों में ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ इसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी पर मैं वीडियो को विराम देता हूँ और फिर से याद दिलाता हूँ कि वीडियो बनाता हूँ सिर्फ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है।
इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक सूझबूझ के अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।